नमस्कार, मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है शिक्षा में श्री कृष्ण राम सियासी संग्राम। जी हां, प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में श्री कृष्ण राम का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। इसके लिए मोहन सरकार सिलेबस में बदलाव करने जा रही है, लेकिन इस बदलाव से पहले ही सियासी संग्राम छिड़ गया है। दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि मोहम्मद साहब, गुरु नानक और ईसा मसीह को भी पढ़ाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर सिलेबस पर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ सवाल जो उठ रहे हैं वो अहम है कि सिलेबस में श्री कृष्ण राम को जोड़ने के पीछे बीजेपी का क्या प्लान है। क्या बीजेपी सरकार हिंदुत्व की पिच पर ही आगे बढ़ेगी? और दिग्विजय सिंह इसका विरोध तो नहीं कर रहे, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाए हैं उसके क्या मायने हैं? आज इन सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। सिलेबस में राम कृष्ण को जोड़ने की तैयारी, मोहन सरकार के फैसले पर सियासत भारी। हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रही बीजेपी सरकार अब स्कूल और कॉलेजों के सिलेबस में भी बड़े बदलाव करने जा रही है। महापुरुषों की जीवनी पढ़ने वाले छात्र अब भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी सिलेबस में अब राम और श्री कृष्ण के पाठ को भी जोड़ा जाएगा। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राम पद गमन और श्री कृष्ण पद गमन दो परियोजनाओं को राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिया है। भगवान राम और कृष्ण राज्य में जिन जिन स्थानों पर गए हैं, उन स्थानों को राज्य सरकार ने तीर्थ स्थल के तौर पर विकसित करने का फैसला किया है। इसके साथ ही राज्य की उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा में राम और कृष्ण के पाठ पढ़ाए जाएंगे। मैं भगवान राम किन किन स्थान पर गए हैं, उन प्रत्येक स्थान पर जाकर के उन स्थानों को चिन्हित करके उनको तीर्थ के रूप में विकसित करने का सरकार ने पहली बार में गठन के साथ ही निर्णय किया था। हमारे घोषणा पत्र में भी था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हम इस पे काम कर रहे हैं। भगवान कृष्ण भगवान राम के जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। अब स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रम में राम और कृष्ण को जोड़े जाने वाले इस बयान पर कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हर हिंदू के दिल में राम और कृष्ण बसते हैं। सीएम मोहन यादव की घोषणा ये केवल मुद्दों से भटकाने के लिए है। कांग्रेस ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि स्कूल शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वहीं दिग्विजय सिंह ने राम और कृष्ण के साथ मोहम्मद साहब, गुरु नानक और जीसस को भी पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात कही है। भगवान राम हमारे आदर्श पुरुष थे, कृष्ण भगवान हमारे एक आदर्श मैं इसलिए अगर उनके सही बात पर उनके कैसे एक अच्छा नागरिक बने उसके बारे में कोई आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन साथ में इसके साथ साथ गुरु नानक जी पर क्यों नहीं आना चाहिए, जीसस पे क्यों नहीं आना चाहिए। अब मैं कहूंगा तो आप लोग गैजेट करके वही सिखाएंगे। जितने भी धर्म के गुरु हैं सबके अच्छे आचरणों का उल्लेख अगर किया जाता है बच्चों के लिए तो उसका स्वागत करेंगे। याद हो तो डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद विधानसभा में ऐलान कर दिया था कि वो राम पद गमन और श्री कृष्ण पद गमन को तीर्थ स्थल के तौर पर विकसित करेंगे। अब उसी एजेंडे को और आगे बढ़ाते हुए सरकार ने पाठ्यक्रम में राम और कृष्ण जोड़ने का फैसला किया है, जिसके बाद कहा यही जा रहा है कि बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर आगे बढ़ रही है और वो ये भी समझ रही है कि इस पिच पर कांग्रेस उससे मुकाबला नहीं कर पाएगी। हालांकि सीएम के बयान के बाद इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही, बीजेपी प्रवक्ता राजन सिंह और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं राम और श्री कृष्ण को आप पढ़ाइए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन उनके साथ गुरु नानक को भी पढ़ाइए, ईसा मसीह को भी पढ़ाइए
और मोहम्मद साहब से भी क्या बैर है आपका, सबके विचार लीजिए। ब्रजेश जी, जहां तक दिग्विजय सिंह जी की बात है, हमेशा अच्छी चीजों में भी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी का थोड़ा सा तड़का डालना चाहते हैं जिससे उनकी नेतागिरी चलती रहे। पहले हम देख चुके हैं 2003 के बाद से वो 10 साल बाहर रहे राजनीति में, तो भी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी है, अभी भी उनकी दुकान चल नहीं रही राजनीति की। तो ये इस तरह के बयान देकर, भारत के शास्त्रों में लिखा हुआ है कि संस्कृति हमारे संस्कार, शिक्षा हमारे संस्कार की जननी है, तो शिक्षा वो दी जाएगी जिससे हमारे संस्कार अच्छे हों। वो स्वयं कह रहे हैं कि अच्छे नागरिक बने, अच्छी बात है। तो राम और कृष्ण के आदर्श को अगर समाहित किया जा रहा है, तो ये बात कि मोहम्मद साहब को पढ़ाओ, इनको पढ़ाओ, उनको पढ़ाओ, ये दिग्विजय सिंह सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए कह रहे हैं। अगर उन्हें इतनी चिंता है तो जब राजनीति अच्छी बात पढ़ा रहे हैं, तो उनमें उनके भी अच्छे गुणों को ले लीजिए, उनके भी अच्छे विचारों को ले लीजिए, तो बहुत अच्छा नागरिक बन जाएगा। सभी को समाहित होना चाहिए, इस बात में मैं भी दो राय नहीं रखता हूं, लेकिन आप ये बात भी ध्यान रखिए कि ये वही कांग्रेस है जो आताताई अकबर को महान बताती थी, इन्होंने वही पढ़ाया अभी तक। हमने भी स्कूल शिक्षा में जब कांग्रेस सरकार में पढ़ते थे, प्रभु सर भी पढ़ते थे, आप भी पढ़ते थे, तो ग्रेट अकबर, तो इन्होंने यही पढ़ाया, अब ये चाहते वही योग आए। तो जो हमारे सनातनी धर्म में है, जो हमारे आदर्श है, एक चीज और बेसिकली इसको कोई मैं धर्म का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन एक बात आप भी जानते हैं, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण भगवान के रूप में, और स्वयं दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि बाकी जिन तीनों का उन्होंने जिक्र किया, ये संत हो सकते हैं, धर्म गुरु हो सकते हैं, भगवान की श्रेणी में मैं नहीं मानता इनको, पैगंबर भगवान की श्रेणी में नहीं मानता। दूसरी चीज, आप जो चाहते हो वो सब चीजें हो ये आवश्यक नहीं है। हाँ, अगर सबका जो अच्छे गुण है वो तो हम वैसे भी सबका साथ सबका विकास में कर ही रहे हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अगर भगवान राम और कृष्ण की बात हो रही है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए ना, उसमें एक नई चीजें जोड़कर। सिर्फ ये दिग्विजय सिंह जी की जो मंशा है, जो बयान है, और कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए करते हैं, ताकि इनकी मुस्लिम तुष्टिकरण की जो नीति है वो जारी रहे। कोई मुस्लिम नेता नहीं कहेगा, ये तब नहीं बोलते हैं दिग्विजय सिंह जब मुस्लिम नेता लोग ये कहते थे कि वंदे मातरम नहीं होना चाहिए, वंदे मातरम नहीं बोलना चाहिए इनकी सरकार में, तब ये नहीं बोलते कि नहीं सबके लिए होना चाहिए। उस दिन दिग्विजय सिंह चुप्पी साध लेते हैं, रोमांस पे ये लोग चुप्पी साध लेते हैं, तो ये लोग सिर्फ वही बात करते हैं जिससे ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सके। तो सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए इस तरह के बयान देते हैं केदार जी दिग्विजय सिंह। वो कह रहे हैं कि आप तो अकबर द ग्रेट था ये पढ़ाते थे, आतताइयों को आप महान बताते थे, राम और श्री कृष्ण को पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो भगवान हैं, बाकी धर्म गुरु हैं, और सिर्फ ये कंट्रोवर्सी के लिए आप बयान दे रहे हैं, तुष्टिकरण के लिए, क्योंकि आपको एक वर्ग को साधना है, उसके वोट लेना है। मैं तो ये बीजेपी के ठाकुर साहब है, इनको साधना चाह रहा हूँ। ठाकुर साहब, वो अभी नए भगवान को पढ़ाओ ना यार, कहाँ राम और कृष्ण में लगे हो, वो नए वाले है ना अपने बायोलॉजिकल, अभी नरेंद्र मोदी याद है, आप अब कहाँ चले गए, भगवान से तुलना मत करो। केदार जी, डिबेट पे जाओ, सफेदी लाने का कोई मतलब नहीं है, वो नए भगवान का गुणगान करो, उनको पढ़ाने की बात करो, तो आपकी दुकान चलेगी, आपकी दुकान चलेगी, वो तो वैसे ही पढ़ लेंगे केदार जी, केदार जी, केदार जी, वो आपकी हिंदुस्तान में प्रधानमंत्रियों को पढ़ाया जाता है, पहले से लेके आखिरी तक कौन प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी से लेके नेहरू तक सबको पढ़ाया जाता है, उसकी चिंता मत करिए, आप मुद्दे पे आ जाइए। अरे आपके खुद बोलते हैं वो भगवान है, अरे खुद बोला है आपके 1000 लोगों ने बोला है कि मोदी जी भगवान है, उन्होंने विकास किया, आपके खुद के लोगों ने बोला है कि वो भगवान है, जब सुनना भी पसंद करो थोड़ा भाई, बोला है तो सुनना भी पसंद, हमारे लिए श्रद्धा के पात्र है ना, जब आपके लिए स्वर्ण भी गुरमाता हो सकती है, आप चरण वंदना, बड़े बड़े लोग सोनिया गांधी की चरण वंदना कर सकते हैं, अरे तब आपको नहीं लगता, हमारी सोनिया गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि वो भगवान के अवतार है, थोड़ा आपके रूप में करो इतना मजाक मत किया करो, इतना मीडिया में मजाक, अरे बहुत पोस्टर लगते हैं, इंदिरा गांधी को दुर्गा बताते हैं, राम और श्री कृष्ण के भी पोस्टर लग गए थे। राहुल गांधी, मुद्दे पे आ जाइए प्लीज, मैंने यही कहा, ठाकुर साहब
ठाकुर साहब आपकी दुकान खुल जाएगी, अभी थोड़ा मुझे सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने गायों की बात की, अच्छा बीफ का जो निर्यात हो रहा है वो किस राज्य किस देश से हो रहा है? तो बीफ कंपनियों से चंदा किसने लिया? अरे बीच में मत बोलो भाई जी, अरे इनको थोड़ा वो कह रहे हैं बंदे मातरम की बात आती है तो दिग्विजय सिंह खामोश हो जाते हैं, किसी गाय की हत्या होती है तो दिग्विजय सिंह खामोश हो जाते हैं। राजन जी आ जाने दीजिए उनकी बात। ये जानना चाहता हूँ केदार जी, दो मुही बात मत करो। अरे ठाकुर साहब सुन तो दीजिए, आपने दीप कंपनियों से चंदा लिया कि नहीं लिया ये देश को बताइए ना। अच्छा आपने तो केदार जी आपका समय जा रहा है, केदार जी आपका समय जा रहा है, आप मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के इस बयान के पीछे क्या तुष्टीकरण है, क्या क्यों वो बाकी चीजों पर नहीं बोलते हैं, सिर्फ इस पर बोल रहे हैं कि मोहम्मद साहब को पढ़ाया जाए। अच्छा तो आपने क्यों नहीं पढ़ाया 10 साल? नहीं नहीं आप बीच में मत बोलना जरा, 2 मिनट समय दे देना अगर सुनना है तो। इसलिए तो कह रहा हूँ समय जाया कर रहे हो आप, इधर उधर जाके मुद्दे पे आ रहे हो। समय जाया कर रहे हैं वो दुकान वाले भैया, समय जाया कर रहे हैं। दुकान तो आपने खोल रखी है मोहब्बत की, देखिए वो हमारी तो खुली है, उनकी वो नौटंकी की है ना, हमारी मोहब्बत की और उनकी नौटंकी की। अब सुनिए चीज, आप बताइए हमारे देश में सभी धर्म समान है या नहीं है, आप बता दो पहले, ये ठाकुर साहब से पूछो है या नहीं। उन्होंने जो सवाल उठाया उसका जवाब चाहिए मुझे, सारे धर्म समान है, लोकतंत्र में सबको अधिकार दिया है, लेकिन उन्होंने कहा पैगंबर भगवान नहीं है, गुरु नानक धर्म गुरु हो सकते हैं, भगवान नहीं है, ईसा मसीह भगवान नहीं है, राम और कृष्ण भगवान है, क्या आप इससे सहमत है या नहीं है ये बता दीजिए। देखिए ये हमारे धर्म के हिसाब से भगवान है, हमारे धर्म के हिसाब से हमारे भगवान है, उनके धर्म के हिसाब से उनके भगवान है। उसमें अगर आप जाएंगे ना ठाकुर साहब, अरे ठाकुर साहब अभी आप इसमें थोड़ा आप दलगोटिया यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो आप तैयार होके आते हो ना, बहुत अच्छी होती है समझाने में। अरे वो आपकी यूनिवर्सिटी से गए हैं केदार जी, आपको पता ही नहीं है क्या अभी वही प्रॉब्लम हो गई ना, ये क्या है पहले सही पढ़ के गए अब दलगोटिया में एडमिशन। चलिए मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, मुझे लगता है दूसरे दौर में आता हूँ। प्रभु जी क्या मकसद हो सकता है दिग्विजय सिंह के इस बयान के पीछे, क्या वो वाकई में वोट बैंक को साधना चाहते हैं? उन्होंने खुद आपने बयान सुना, वो बाद में लेते हैं मोहम्मद साहब का नाम, बोले यदि मैं कह दूंगा तो आप उतनी ही क्लिप चलाओगे, मतलब डर उनको भी है, और यदि यही है तो क्या कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों शुरू नहीं कर देते, दिग्विजय सिंह ने क्यों नहीं पढ़ाया सबको? देखिए ब्रजेश जी सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो केदार जी हैं या राजेंद्र जी हैं, क्या इनने सहायक वाचन में जो स्कूल में पढ़ा है, क्या इनने नहीं पढ़ा अकबर को, क्या इनने नहीं पढ़ा जीजस को, क्या इनने नहीं पढ़ा गुरु गोविंद सिंह को, गुरु नानक देव को, जो नाम दिग्विजय सिंह ने लिए क्या आप लोगों ने नहीं पढ़े जिस बात को लेकर आप बहस करने आए, या जो दिग्विजय सिंह ने क्या नहीं पढ़े यदि वो यहाँ पढ़े मध्य प्रदेश में, तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये सब नहीं पढ़े? ये कहने की बातें हैं, चूंकि आपने आप एक पद पर बैठे हैं, जनता में आपको एक अपनी बात पहुंचानी, तो आपने कहा कि राम और कृष्ण को भी पढ़ाया जाएगा, राम और कृष्ण घर घर में पढ़ाए जाते हैं, चाहे मुस्लिम से बच्चे से पूछ लीजिए आज स्कूल में पढ़ने वाले से, वो कृष्ण को जानता है, क्रिश्चियन बच्चे से पूछ लीजिए वो कृष्ण को जानता है, राम को तो घर पूरी दुनिया जानती ही जानती है, कैसे आए क्या था क्या है सारी चीज़ें लोग जानते हैं, यहाँ पढ़ाने की बात क्या है? तो आपने एक पॉइंट रेज किया कि हम इसको पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, तो दोहर से आया कि बाकी लोग को भी शामिल करिए, इनको भी पढ़ाइए, वो तो पहले से पढ़ रहे हैं, पहले हम किताबें तो देख लें उन स्कूलों की, नई शिक्षा नीति में यदि बदल दी है तो हम उस पर सवाल उठाएं कि आपने क्यों हटा दिया नई शिक्षा नीति में इसको। और जहाँ तक अभी राजन जी अकबर की बात कर रहे थे, अकबर द महान, तो क्या आपकी नई शिक्षा नीति में अकबर को महान कहना बंद कर दिया गया है? आप प्रमाणित कर सकते हैं क्या इस बात को? ऐसी बातें हम बहस करने के बजाय कंक्रीट बात पे करें। देखिए भारत के सभी लोग हैं, यदि हिंदू बच्चे को अपने भगवान के प्रति जानकारी है लेकिन उसको दूसरे धर्म के प्रति नहीं जानकारी है तो सम्मान करना कहाँ सीखेगा वो? उसको सब हमारा संविधान सर्वधर्म संभव की भावना पे चलता है, संविधान को परे रख दीजिए आप, सामान्य ज्ञान के लिए उस व्यक्ति को सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, उसको सब्जी भिंडी कैसी दिखती है ये पता होता है, तो उसको हरी पत्तेदार सब्जी कैसी हो ये भी पता होना चाहिए, तो उसी तरीके से ये भी है, उसको सभी का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा बहुत जानकारी जो हमारे स्कूलों में पाठ्यक्रम में दी जाती है। अब महात्मा गांधी जी ने भी कुरान को पढ़ा था, जवाहरलाल नेहरू ने भी कुरान को पढ़ा था, और आरएसएस के पुरोधाओं ने भी कुरान को पढ़ा है, अब ये ना कह दें कि उनने नहीं पढ़ा है। महात्मा गांधी ने गीता का हिंदी में अनुवाद किया, और भी लोगों ने गीता को अपने अपने हिसाब से उसका व्याख्या की है,
लेकिन क्या उन्हें कुरान नहीं पढ़ी, उसकी भी उनने वो व्याख्या की, उनने भी उसके अच्छे अंश को दिखाया। तो जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर जानेंगे कैसे। अब रही बात, आपको बहस करनी चाहिए राजेंद्र जी, और आपको बहस करनी चाहिए केदार सिंह रोही जी, तो बहस इस बात पर करनी चाहिए कि मेडिकल कॉलेज में हेडगेवार और गोलवलकर जी को पढ़ाने का क्या मतलब है, जो मध्य प्रदेश में लागू करने की बात की, जो शुरू हो गया है मेडिकल एथिक्स के कोर्स में। आप इस पर बहस कीजिए, दिग्विजय सिंह इस मुद्दे पर आइए ना। ये जो मुद्दे हैं, जो गुरु नानक जी का योगदान को ना तो राजेंद्र जी मिटा सकते हैं, अभी उनने कहा कि उनको मैं भगवान नहीं मानता, उनको मानने बहुत सारे उनके अनुयायी हैं, उनको तो देश में सभी, और वो हमारे हिंदू धर्म के हिस्सा हैं, वो ब्रांच है, हम भी उनको पूछते हैं, साहब हमारे मंदिर में भी, घर में गुरु नानक देव जी की फोटो होगी, आपके घर में भी होगी, आप उसको फेंक नहीं देंगे यदि फोटो आपके घर में होगी तो। लेकिन आप यदि ये कहे तो गुरुद्वारे में आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति से जुड़े हमारी धर्म गुरु है वो, तो आप जो है एक तरीके से ऐसे खारिज नहीं कर सकते किसी को, आप किसी को भी ऐसे खारिज नहीं कर सकते। आपको नहीं मानना है अपने घर में मत मानिए, सार्वजनिक तौर पर आप किसी को भी किसी भी धर्म के बारे में इस तरीके की बातें ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा मुझे लगता है। आप मुद्दों पर बात कीजिए, दिग्विजय सिंह ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, मोहन यादव जी ने भी कुछ भी गलत नहीं कहा है। यदि ये नहीं पढ़ाया जा रहा है नई शिक्षा नीति में जो कि अभी लागू की है नरेंद्र मोदी सरकार ने, यदि उसमें राम और कृष्ण नहीं है तो उनको लागू करना चाहिए, क्योंकि हमने तो जब पढ़ा था पुरानी शिक्षा नीति में तो दिग्विजय सिंह को नहीं पता है प्रभु जी के पढ़ाया नहीं जा रहा है, फिर वो क्यों बयान दे रहे हैं। वो भी ये भी कह सकते थे कि पहले से ही पढ़ा रहे हैं, सिर्फ सियासी लाभ के लिए मोहन यादव ने ऐसा बयान दिया है। तो देखिए तो बिल्कुल ब्रजेश जी, दोनों नेता सियासी फायदे की बात कर रहे हैं, दोनों नेता जो बात कर रहे हैं या जो भी राजनेता है वो सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए बात करता है, उन्हीं बातों को बार बार दोहराने की कोशिश करता है। राम और कृष्ण पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे, आज से 3 महीने पहले भी हमने इस बात पर चर्चा की है, तब भी ये कहा गया था, वही बात अब कही गई। अब लागू करके दिखा दीजिए, ये हमने पढ़ा दिया, आप बताइए कि केवल रामकृष्ण पढ़ाए जाएंगे, बाकी सबको हमने हटा दिया, तो फिर बात में आपका वजन है। दिग्विजय सिंह भी यदि इस बात को कहने आ रहे हैं तो वो साबित करें कि सिर्फ रामकृष्ण पढ़ाए जा रहे हैं, बाकी नहीं पढ़ाए जा रहे, तो आपकी बात में वजन है। आपको केवल चर्चा में आने के लिए आपने बयान जारी कर दिया, आप उसका अपने काउंटर बयान जारी कर दिया, बहस हो गई, अखबारों में खबर छप गई, आप दोनों के चेहरे दिख गए, हो गया। अब वो पढ़ाया 3 महीने पहले भी आपने कहा था, तो अभी तक क्यों नहीं पढ़ाया गया, नए शिक्षा सत्र शुरू हो गया, पाठ्यक्रम में क्यों नहीं आया, ये भी एक विषय हो सकता है। आपको बहस करनी है तो उस पर कीजिए जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में था, प्रियंका गांधी की घोषणा थी, जो मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा थी कि प्रदेश में पाठ्यक्रम में जो स्कूली शिक्षा है उसको मुफ्त किया जाएगा, दोनों उस पर बहस कीजिए। तो राजेंद्र जी बहस क्यों, सियासी मकसद के लिए बयान दिया है मोहन यादव ने भी, तो क्या अखबार को अब नहीं पढ़ाएंगे क्या, क्या बाकी के लोग जो धर्मगुरुओं को या भगवानों को पढ़ा रहे हैं उनको नहीं पढ़ाएंगे क्या? देखिए मैंने कही थी, मैंने ये कहा था कि दिग्विजय सिंह सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए अपनी बंद दुकान पर भी लागू होता है ना, सीएम पर भी, कि वो भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राम पदगमन बनाया जाएगा, वो कह रहे हैं श्री कृष्ण पदगमन बनाया जाएगा, तो ये तो आपकी सरकार जब आई है तब से कह रही है, तैयारी चल रही थी श्री कृष्ण पदगमन की पहले से तैयारी, 20 साल में निबंध को शुरू नहीं हो पाया काम, राजेंद्र जी 20 साल हो गए, ये? दो सरकारें बदल गई, कमलनाथ भी उसी रास्ते पे चले थे, राम बनाने में उसके पहले शिवराज जी चले, अब मोहन यादव जी भी चल रहे हैं, अभी तक काम ही शुरू नहीं हो पाया है, कागज से बाहर नहीं निकल रहा, और जो जिनने इसका प्रोजेक्ट बनाया था वो जो राम वन पद्म कहां से है वो बेचारे इस दुनिया से कूच कर गए, पांडे जी जिनको अध्यक्ष बनाया था जी, राजेंद्र कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए समय लग सकता है, उसके लिए समय लग सकता है, लेकिन वही बात आज भी मोहन यादव जी ने वही कही है कि इसकी तैयारी चल रही है और ये करेंगे, उसको पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। दूसरी चीज, आपके बाद छत्तीसगढ़ में 15 साल आपकी सरकार होने के बाद छत्तीसगढ़ में 5 साल की कांग्रेस सरकार थी, उनने बना दिया, यूपी ने बना दिया, जहां जहां साउथ में बन रहा है, सिर्फ मध्य प्रदेश में समय लगेगा 20 साल। नहीं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें और भी हुई है, पदगमन में देरी हुई है ये बात हो सकती है, जैसे नर्मदा लोक की तैयारी चल रही, मैं नर्मदापुरम में रहता हूँ, यहाँ पूरी तैयारी चल रही थी, पहले भी पदगमन की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन उसमें बीच में कुछ पैच ऐसा आ गया जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ये, तो उसको लेकर कोई कोर्ट में चला गया तो उसको लेकर बीच में रुक गया। ब्रजेश जी भी जानते हैं नर्मदापुरम से जुड़े हुए, ये पूरा एक बार पूरा बन पूरा लेआउट तैयार हो गया था, फिर कुछ उसमें भौगोलिक स्थिति ऐसी आई जिसको लेकर वापस रिव्यू के लिए गया, तो कुछ चीजें हो सकती है, ये बात हो सकता है कि लेट हो रहा है,
दूसरी चीज जो मैं आपसे कह रहा था कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं इनका सम्मान नहीं करता हूँ, जो आपने कहा कि गुरु नानक जी इनका, मैंने कहा एक संत के रूप में, एक धर्म गुरु के रूप में इनका पूरा सम्मान है। और जो अच्छी चीजें बात कीजिए, नर्मदापुरम पे बात कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा राजेंद्र। लेकिन महाकाल लोग बाद में आया, श्रेय वो भी लेते हैं। रामपद गमन की शुरुआत तो आपने की थी, आपकी सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन आपने राशि नहीं दी। वो कहते हैं कमलनाथ जी ने राशि दे दी थी। और जो प्रभु जी ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ में 5 साल रही बघेल सरकार, बना के रख दिया उन्होंने। राजेंद्र जी, आप तो अपनी पार्टी से मांग करिए कि अश्विनी वैष्णव जिनने वो चिनाब पे पुल बनवा दिया, या नितिन गडकरी जो रातों रात सड़कें बनवा देते हैं, उनको ठेका दे दे इसका, तो राम वन पद गमन बन जाएगा अपने यहाँ। ठेका देने का काम मेरा नहीं है, मैंने ये कहा। आप अपनी पार्टी से मांग कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं प्रभु सर, जो आप कह रहे हैं कि पदगमन की, मैं यही बता रहा था कि पदगमन की पूरी लेआउट होके पूरा तैयार हो गया था, पूरा उसका डीपीआर भी बन गया था। उसके बाद किसी सज्जन ने उस पर लगाया, उसके बाद ये हुआ कि नर्मदा से 300 मीटर में ये नहीं जा सकता, 600 मीटर में ये नहीं जा पता सकता। नहीं, हम तो आप ही से सुन रहे हैं, ऐसा तो हमने को कभी देखा नहीं, ना किसी और नेता ने कहा आपके, किसी मुख्यमंत्री कोई अड़ंगा नहीं आया था। आप शायद नर्मदापुरम की बात, पदगमन तो डीपीआर बनने के बाद उस पर भौगोलिक स्थिति में वो दिक्कतें आई थी कि कुछ क्षेत्र उसमें जो कैचमेंट अपना डूब क्षेत्र आता है, निरीक्षण के लिए टीम बनाई थी, हालांकि बजट ही नहीं दिया। बजट बाद में दिया। चलिए मैं लौट रहा हूँ, जवाब तो केदार जी से भी लेना है, क्योंकि बहस और मैं भाग तो आप भी ले रहे हैं और सिर्फ सियासी लाभ के लिए बयान दे रहे हैं दिग्विजय सिंह, क्योंकि पहले से ही पढ़ाया जा रहा है। तो क्यों नहीं वो कह देते कि भाई पहले से पढ़ा रहे हैं, ये तो सियासी लाभ के लिए ले रहे हैं, क्योंकि आपको भी एक वोट बैंक साथ है, तो आपने भी उसमें दो चीजें जोड़ दी, तीन चीजें। देखिए मैं इसमें बहुत स्पष्ट कर दूं, दो तीन चीजें हमारी शिक्षा, हम शिक्षा शिक्षा का मतलब अभी थोड़ा सीरियस बात कर लें। मैं ठाकुर साहब से मजाक तो कर रहा था, बात कर रहे हैं बातें कर हम तो सीरियस ही बात कर रहे हैं जब से। नहीं नहीं, ये बिना हाथ पैर की बात आप ही चले जाते हो, बायोलॉजिकल हो जायोलॉजिकल। मैं क्या है, किसान आदमी हूँ और वो जैसी हवा चलती है वैसे ही तिपाया रखता हूँ। जब कोई आदमी बिना, किसान बड़ा समझदार होता है, जिधर हवा चलती है ना उधर ही सूपा करता है ताकि उसका अन्न ना साफ हो जाए। वो हो गए, आप मुझे लगता है थोड़े शांत भी रहेंगे। देखिए सवाल ये, हम लोग शिक्षा पर सीरियस होना चाहिए। मैंने विदेश तक नौकरी की है सर, गांव की स्कूल से पढ़ के वो यूरिया के बैग में पुस्तक ले जाते थे, पैदल जाते थे, कीचड़ में जाते थे, आते थे और विदेश तक गया। शिक्षा, शिक्षा का मतलब क्या है कि सिर्फ हम जो पुस्तक पढ़ लें, टेक्नोलॉजी पढ़ लें, या नहीं, हमारे पूरे व्यक्तित्व के विकास की बात आती है। तो जब व्यक्तित्व विकास की बात आती है तो इसमें बहुत से क्लासिफाई करना पड़ेगा हमारी एजुकेशन को, हमारी नैतिक शिक्षा जो होती है, एक हमारी धार्मिक शिक्षा होती है, हमारी एक टेक्निकल शिक्षा होती है, जो फिर एक स्किल की हमारी शिक्षा होती है। अलग अलग तरह के शिक्षा से हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आज मध्य प्रदेश में हम, चलो बात मैं भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहे हैं, बराबर के दोषी हैं, पर सर स्कूल में आज टाटपट्टी नहीं है सर। टाटपट्टी समझते हैं आप, वो नीचे एक बिछाई जाती है जिसके ऊपर बच्चे बैठते हैं। अब टाट पट्टी तो बहुत पहले बैठते थे, हम तो घर से लेकर जाते थे। केदार जी बहुत कुछ बदल गया है, तो बदल ही रहा है ना धीरे धीरे। लेकिन जो व्यवस्था की आप बात कर रहे हो, जो संविदा शिक्षक, ये कौन व्यवस्था, किसने खराब की है? आपकी सरकार ने खराब की। ऐसे शिक्षकों की भर्ती कर दी आपने जिनको गणित में नहीं आ रहा है, जिनको हिंदी नहीं आ रही है, 500 रुपए के गुरु, 500 रुपए में गुरु जी भर दिए आपने, तो जिम्मेदार कौन? आप ही हुए ना। हम जिम्मेदार थे तो 20 साल से ये क्या कर रहे थे? हमने कम बजट से लेके आए हैं, उसके बाद में हम लोगों ने गांव गांव तक, कस्बे तक स्कूल पहुंचाई, वहां पर उन टीचरों को पहुंचाया। आपने जीरो बजट के स्कूल खोले जो आज तक भुगत रही सरकारें, आज तक के वो बन गए प्रचारक और उनकी जगह आरएसएस में काम करते हैं और उनकी आपकी देन है केदार जी। जो शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा हुई है वो दिग्विजय सिंह शासन काल की देन है। ब्रजेश जी आपने जीरो बजट में कर दिए स्कूलों को, शिक्षकों को 500 रुपए में क्या पढ़ाएंगे वो, कौन से शिक्षक जाएंगे वहां पर? अब वो पटेरिया सर है, उस समय का अनुभव है इनको, केंद्र का उस समय का मामला आपको पता, 5 साल अटल जी की सरकार थी और किस तरह की मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो चुकी थी, केंद्र से जो पैसा। अच्छा केदार जी, अटल जी के पहले भी कोई सरकार इस देश में हुआ करती थी? जब देश आजाद हुआ था तब से क्यों नहीं सुधार कर दिया? 20 साल को क्यों कोसते हो आप, 5 साल अटल को क्यों कोसते हो आप? उसमें सुधार देते। अरे आप तो पहले से एक चाक चौबंद कर देते ना भैया, पहले डब्बा पेटी पैक निकाल के देश को देते। सर खाने के लाले पड़ रहे थे जब देश आजाद हुआ, जब
गलती किसकी? आप लोगों की रिपोर्ट देखी मैंने, पीएलए सोने की चिड़िया कहते थे देश आजाद होने के पहले, केदार जी सोने की चिड़िया कहते थे आजाद होने के पहले, गलती किसकी? आजाद होने के पहले सोने की चिड़िया थी तो हमारे हिस्से में क्या है? अगर हमारे हिस्से में सोने की चिड़िया आई होती तो हम खाने के लिए। अरे तो भाई आपने जब, आपको पता है जब बंटवारा हुआ था, सुने आपको पता है आपकी पार्टी के एक नेता है जो इंग्लैंड गए थे, वहाँ साहित्यकारों पढ़े लिखे लोगों के एक सम्मेलन में उनने कहा कि आपने देश में 200 साल राज किया, हमारे इतने संसाधन हजारों करोड़ और लाखों करोड़ लेके गए, अब हरजाना चुकाइए, भले उस हरजाने के तौर पर आप हमको जो है 25 पैसे दे दीजिए जो वहाँ की मुद्रा में, लेकिन आप हमको हरजाना चुकाइए। इतने साल बाद आपकी पार्टी का एक नेता वहाँ जाके कह के आ रहा है, जब आज़ाद हो रहा था देश तो आपके वो नेता जो आजादी का श्रेय ले रहे थे उनने क्यों नहीं कहा कि भैया आपने जितना लूटा हमारा वापस करो, अब हमको क्यों वांग देवी की प्रतिमा वहां से मांगनी पड़ रही है, हमको क्यों अपना खजाना वहां से सौ मांगना पड़ रहा है, हमको क्यों अब मांगना पड़ रहा है? गलती वहां पे भी हुई ना, जवाब दीजिए, समय नहीं। नहीं नहीं इसमें थोड़ा चर्चा हो जाने, 2 मिनट का समय बैठेंगे, फिर बैठेंगे, जवाब दे, मेरा भी ज्ञान थोड़ा सा बढ़ेगा ना सर, थोड़ा सा। मैं समय की बाध्यता रहती है ना केदार जी, इसलिए तो मैं आपसे शुरुआत में कह रहा था इधर उधर मत जाइए। बहरहाल मैं माफी चाहता हूँ कि समय की बाध्यता, इस चर्चा को यहीं विराम देंगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर सियासी बयान है और ये सियासी लाभ के लिए दिया गया है, चाहे वो सीएम मोहन यादव ने दिया हो, चाहे दिग्विजय सिंह उस पर प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, लेकिन जनता है, सब जानती है शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है, ये भी देखने की बात है, और स्कूलों की क्या हालात हैं इसके लिए भी कौन जिम्मेदार है जनता बेहतर तरीके से जानती है, और अब ये भी जानती है कि ये बयान क्यों दिए जा रहे हैं, एक पर एक पलटवार क्यों किए जा रहे हैं, क्या इसका सियासी लाभ मिलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।